डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है इमेज ज्योग्राफी सिलेबस इन हिंदी में। ये जो सिलेबस है ये है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का। यदि आप किसी और यूनिवर्सिटी के हैं और आपका जो सिलेबस है वो इंग्लिश में है और आपको आपके सिलेबस में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम उसका ट्रांसलेशन और उसमें क्या क्या अध्ययन करना है ये आपको बता देंगे। तो चलिए आज का क्लास हमारा स्टार्ट करते हैं। ये जो सिलेबस है ये क्लास इमेज ज्योग्राफी सेमेस्टर 4 का है और पेपर 2 है और पेपर का नाम है अर्बन ज्योग्राफी यानी कि नगरी भूगोल। तो चलिए देखते हैं इसमें सिलेबस में क्या क्या कवर किया गया है और इसमें क्या क्या अध्ययन करना है। तो इसमें फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है नेचर इन स्कोप ऑफ अर्बन ज्योग्राफी, अप्रोच एंड डिसेंट ट्रेंड इन अर्बन ज्योग्राफी यानी कि नगरी भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र और जो नगरी भूगोल है उसके दृष्टिकोण या उसके जितने भी विचारधाराएं वगैरह है, संकल्पनाएं हैं, इसका अध्ययन और उसके बाद हाल ही में रुझान यानी कि हाल ही में हुए घटना या परिवर्तन का अध्ययन करना है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसके पश्चात है सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंशियंट मेडिवेन एंड मॉडर्न पीरियड यानी कि जो नगरी बस्ती है या नगरी अधिवास है उसकी उत्पत्ति और विकास किस समय, प्राचीन समय, मध्यकालीन और आधुनिक काल, तीनों काल में इसका अध्ययन करना है कि तीनों समय में इसका विकास किस प्रकार से हुआ है। इसके पश्चात थर्ड पॉइंट है बेस एंड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन यानी कि अर्बनाइजेशन का मतलब होता है नगरीकरण, तो नगरीकरण के आधार और प्रक्रिया ये। इसके पश्चात है फोर्थ पॉइंट क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट ऑन बेसिस ऑफ साइज एंड फंक्शन यानी कि आकार और कार्य के आधार पर नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण। इसके बाद है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन यानी कि नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण, ये पॉइंट है। इसके बाद आ गए यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में दिया हुआ है अर्बन ग्रोथ एंड थ्योरीज सेंट्रल प्रेस थ्योरी ऑफ क्रिस्टालर एंड लॉस यानी कि इसमें हम क्या करेंगे जो नगरी बस्ती है उसका विकास और उसके सिद्धांत, इसमें किसका है लॉस और जो क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत है इसका अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया स्कॉलर्स ऑफ द स्टडीज ऑफ अर्बन सेटलमेंट यानी कि जो भारत के विद्वान हैं उन्होंने जो नगरी अधिवास के जो विकास में जो योगदान दिए हैं उनका अध्ययन करना है। इसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है फोर पॉइंट का अर्बन इकोनॉमिक बेस यानी कि नगरी आर्थिक आधार, तो नगरी क्षेत्र के आर्थिक आधार कौन कौन से हैं, उनके बुनियादी आधार, उनके गैर बुनियादी आधार यानी कि बेसिक एंड नॉन बेसिक फंक्शन। इसके पश्चात है इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट का मतलब क्या होता है जो अंदर से जो माल उत्पादित वगैरह करते हैं वो आ जाएगा और आउटपुट यानी कि बाहर से जो माल आयात वगैरह करते हैं ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर है इसके मॉडल को देना है इसमें हमें। इसके पश्चात है सिटी एंड चेंजिंग अर्बन फंक्शन यानी कि जो शहर और बदलते शहरी कार्य है उनके बारे में इसमें अध्ययन करना है यानी कि शहरों की बदलते रूप के बारे में। इसके पश्चात है यूनिट 3। तो यूनिट 3 में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्बन स्पेस यानी कि जो नगरी क्षेत्र के संगठन है उसके बारे में, अर्बन मॉर्फोलॉजी एंड लैंड यूज स्ट्रक्चर यानी कि नगरी भू आकृति विज्ञान और भूमि उपयोग संरचना कि नगरी भूमि का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि नगरी भूमि में क्या होता है कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं होता है जो ऐसे खुला मिल जाए आपको, उसमें गहन उपयोग होता है भूमि का। फिर है सिटी कोर यानी कि ये नगर कोर जिसे आप CBD के नाम से भी जानते हैं जो पिछले ईयर आप पढ़े हैं। इसके बाद है कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड रेसिडेंशियल एरिया यानी कि औद्योगिक आवासीय क्षेत्र ये सभी और वाणिज्यिक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि नगरी क्षेत्र में वाणिज्य क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय क्षेत्र ये तीन मुख्य प्रकार के होते हैं। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिया अर्बन सेटलमेंट यानी कि भारतीय नगरी बस्तियों या अधिवासियों की आकृति विज्ञान यानी कि किस प्रकार से भारतीय नगरी बस्तियाँ। इसके पश्चात है इट्स कंपेरिजन विथ वेस्टर्न सिटीज यानी कि जो पश्चिमी शहर है उनसे जो भारतीय बस्तियां हैं या शहर है उनकी तुलना करना है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अर्बन एक्सपेंशन आमलाइन फ्रेंस, इसमें जो आमलाइन की संकल्पना आप पढ़े थे
नगरी विस्तार का आमलन की संकल्पना वो इसमें पढ़ना है, ये फ्रिंज का दिया हुआ है। जो आप पिछले कक्ष में जो ग्रामीण अधिवास पढ़े हैं उसमें दिया हुआ था आमलन की संकल्पना, वही वाला पॉइंट इसमें आएगा। फिर है यूनिट फोर। यूनिट फोर में है कंटेम्प्रेरी अर्बन इशूज, यानी कि समसामयिक नगरी मुद्दे, यानी कि हाल ही में हुए जो घटनाएं हैं नगरी के, नगरी शहर के क्षेत्र में, ये सभी इसमें आएंगे। इसमें है अर्बन स्प्रॉल, अर्बन स्लम्स यानी कि नगरी विस्तार, और नगरी क्षेत्र में जो मलिन बस्तियां हैं यानी कि गंदी बस्तियां हैं, ये सभी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन यानी कि पर्यावरण प्रदूषण, जिसमें है एयर वाटर नॉइस सॉलिड वेस्ट इशूज, ये सभी प्रकार के यानी कि वायु जल ध्वनि ठोस अपशिष्ट पर्यावरणीय स्वास्थ्य, ये जितने भी प्रकार के प्रदूषण वगैरह है ये सभी इसके अंतर्गत यूनिट फोर में पढ़ेंगे आप लोग। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है अर्बन पॉलिसी एंड प्लानिंग, यानी कि नगरी नीति और योजना, इसके बारे में नगर ही संबंधित जितने भी योजना वगैरह है, नीति वगैरह है, ये सभी पढ़ना है आपको। तो सिटी प्लानिंग, इसके अंतर्गत नगर नियोजन वगैरह आ जाएंगे। फिर ये है कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन अर्बन प्लानिंग, उनकी समस्याएं वगैरह जो भी है, ग्लोबलाइजेशन इन अर्बन प्लानिंग इन द वर्ल्ड, यानी कि इसके अंतर्गत जो तीसरी दुनिया है, विश्व के नगरीकरण क्षेत्र है, समसामयिक मुद्दे हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके पश्चात दिया हुआ है कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन अर्बन प्लानिंग, यानी कि नगरी नियोजन में समकालीन जो समकालीन मुद्दे हैं इनके बारे में अध्ययन करना है। फिर दिया है ग्लोबलाइजेशन इन अर्बन प्लानिंग इन द थर्ड वर्ल्ड, यानी कि तीसरी दुनिया में जो नगरीकरण है, वैश्वीकरण है, नियोजन है, इन सभी के बारे में अध्ययन करना है। तो यहाँ पास कुल तीन आया है, जो शहरी नीति है या योजना है इसके अंतर्गत, एक तीसरी दुनिया में जो वैश्वीकरण है और नियोजन वगैरह है, ये सभी आ जाएंगे, और एक है नगरी नियोजन के जो समकालीन मुद्दे हैं ये आ जाएंगे। तो ये लगभग दोहरा दिए हैं यहाँ पास एक पॉइंट। फिर है अर्बन लैंड यूज एंड प्लानिंग, यानी कि नगरी भूमि उपयोग योजना, वहाँ पास आप देखे थे नगरी भूमि उपयोग, यहाँ पास उसकी संबंधित योजना। फिर है ग्रीन बेल्ट और स्मार्ट सिटी अवधारणा, जो कि आपके इंडिया में भी चल रहे हैं स्मार्ट सिटी वगैरह की अवधारणा, तो उसी से संबंधित जो अवधारणाएँ विचारधाराएँ हैं इसको इसमें अध्ययन करना है। तो ये हो गया आपका ये सिलेबस जो है कम्प्लीट। तो इसका अध्ययन हम 16 या 17 तारीख को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।